हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग बना रहे हैं नेचुरल इसको पेस्ट, जो कि फेस में लगाने वाले हैं हम लोग घर पर ही नेचुरल जो है एक पेस्ट बना रहे हैं, बेसन का, आलू का और क्या है, कॉफ़ी घी, जो कि घर का है। ये देखिए, ये सारा सामान हम लोग यूज़ कर रहे हैं घर पे पेस्ट बनाने के लिए। हम लोग अभी इसको लगाएंगे अपनी स्किन पे और फिर आप लोग देखिएगा कैसे चमकता हुआ ग्लो आता है या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। ये देखिए, पेस्ट बनाने के लिए हम ये सामग्री यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आलू को छीलकर कद्दूकस कर लेना है, फिर उसमें से आलू का रस निकालना है। ये देखिए, आलू को जो है कद्दूकस कर लिया है, फिर उसके बाद उसका जो रस है वो निकाल रहे हैं एक प्लेट में। और ये देखिए किस तरीके से मैं झांक रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए वो बीच बीच में आकर के देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, आलू का जो रस है वो निकल चुका है। अब आगे देखते हैं हमारी जो स्पेशलिस्ट है ये पेस्ट बनाने वाली, वो आगे क्या करता है। मुझे तो तैयार मिलने वाला है, पर देखते हैं आगे क्या बनेगा। अब इसमें तो बेसन ऐड कर दिया। अब ये इसमें बेसन ऐड हो रहा है। अभी वो कम ज्यादा हो जाए तो हमारे फेस में भी कम ज्यादा हो जाए कुछ, तो बाद में फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना आपके फेस के हिसाब से। अभी हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग फेस में, देखते हैं अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो आप लोग भी जरूर से ट्राई कीजिएगा। कॉफी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें आलू का रस, बेसन और कॉफी, तीन चीज ऐड हो चुकी हैं। और अब देसी घी है, उसको भी ऐड कर रहे हैं। अगर आप ये स्किन ग्लोइंग के लिए डाला गया है घी, तुम्हें लगाना है। कैमरे से एलर्जी है इस भाई को, तो नहीं खिंचाना। तू कहाँ का हीरो है, तो मत खिंचा, हीरो नहीं दिख रहा है वैसे भी। पेस्ट थोड़ा कम था इसलिए हम सारी चीजें थोड़ा थोड़ा और ऐड कर रहे हैं। आलू का रस थोड़ा ज्यादा निकल गया था। ये पेस्ट मैं अकेले नहीं लगाऊंगी, जो बना रहा है उसको भी लगाना हो, साइड इफेक्ट होता है, तो मेरे साथ उनको भी हो। और अगर इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर कोई बात नहीं। टीवी चालू कर दो, टीवी चालू ही कर देते हैं वरना ये पेस्ट भी नहीं लगाने देगा। अरे माँ हगड़ू, अबे कपड़ा कसम से धो के फैला के फुर्सत हुई थी वापस से हगना। अरे भाई साहब, बचपन के। और अब देखो, फेस को क्लीन कर लिया है, अब हम इस पेस्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं, तो चलिए अप्लाई करते हैं। ये देखिए, हमने आलू का छोटा सा टुकड़ा लिया है, उससे पहले स्किन को स्क्रब कर लेते हैं, उसके बाद हम पेस्ट को अप्लाई करेंगे। दुनिया भर के इलाज के बाद भी खुशी से अप्लाई तो कर रहे हैं, अब सुबह देखा जाएगा। मम्मी बड़े ध्यान से देख रही है। इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। अब इसको लगा लो ना, वो उसका पानी सोख के साथ इतनी कबूत लगा या खाई, बस पास लगा लो यार। जैसे क्या ठंड, और मैंने भी देखा है, मतलब सिर्फ देखा है, एक बार ट्राई नहीं किया है। इतना सब कुछ करेगा, हम लोग पेस्ट को भी फेस पे अप्लाई करेंगे। देखिए, पेस्ट लगा लिया है, बहुत ही डरावनी दिख रही हूँ। कैसी दिख रही हूँ मैं? भूत जैसे दिख रही हूँ? बड़ी भूत दिख रही हूँ। सारे कुत्ते में भूत दिख रही हूँ मैं? भूत नहीं दिख रही रे? दिख रही हूँ। नहीं दिख रही? ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो अपना फेस उसको क्लीन कर लिया है। ये देखिए, पानी से मैंने एकदम फेस को क्लीन कर लिया है मुझे, और चमक भी दिख ही रही है। थैंक यू, धन्यवाद जिसने भी ये पेस्ट बनाकर मुझे दिखाने वाला, जो भी है वो कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, तो मैं उसे यहीं से कह दे रही हूँ उन्हें थैंक यू। पानी से थोड़ा हल्का गीला फेस है इसलिए अब उससे मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं।
आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर यूज कर, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और ये देखिए जरा सा टच करते ही मेरे गाल जो है वो रेड रेड हो जा रहे हैं। स्किन ग्लो कर रही है, सॉफ्टनेस। चलिए फेस एकदम क्लीन हो चुका है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।